चय सुरेंद्र चय कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है तयेनम से शक्ये देविन दे देवराया समनस्य भगवो महावीरस्य अंतियम धम्मम सोच्चा निसम हठ तुठे समणम भगवं महावीरं वंदई नमंसई वंदिता नमंसिता एवं वयासी कतिविहेणं भन्ते उग्गहे पन्नत्ते सक्का पंचविहे उग्गहे पन्नत्ते तंजहा देविन्दोग्गहे रायोग्गहे गाहावै उग्गहे सागारीय उग्गहे साहम्मि उग्गहे। भगवती सूत्र में बताया गया है कि एक बार प्रथम देवलोक का इंद्र शक्र वह भगवान महावीर के पास पहुंच जाता है, पर्युपासना करता है, धर्म कथा होती है, तीर्थंकर की देशना मनुष्य भी सुन लें, देवता भी सुन लें और भी कोई प्राणी सुन लें आश्रय। तो शक्र ने अपनी उपस्थिति मानो दर्ज कराई, प्रवचन कार्यक्रम देशना का प्रोग्राम उपक्रम हुआ। फिर शक्र देवेंद्र देवराज भगवान महावीर के पास धर्म सुनकर बड़ा खुश हुआ, हृष्ट तुष्ट हुआ और वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार कर एक प्रश्न पूछता है कि भंते अवग्रह कितने प्रकार का प्रज्ञप्त है। अवग्रह जो किसी स्वामी के अधिकार में आवास आश्रय होता है या भूमि होती है, मकान आदि होता है, तो जिसके अधिकार में होता है तो किसके किसके अधिकार में ये चीज़ें हो सकती हैं। अवग्रह कितने प्रकार का है आश्रय, तो भगवान महावीर ने कहा अवग्रह पांच प्रकार का होता है। देवेंद्र अवग्रह, राज अवग्रह, गृहपति अवग्रह, सागारिक अवग्रह, साधर्मिक अवग्रह। पांच प्रकार का अवग्रह। पहला है देवेंद्र अवग्रह, देवलोक का इंद्र है, शक्र है, दूसरे देवलोक का ईशान है, पहले का तो शक्र दूसरे का ईशान, इनके भी अधिकार में अपनी भूमि क्षेत्र होता है। तो देवेंद्र अवग्रह पहला है। दूसरा है राज अवग्रह, चक्रवर्ती होता है, उसके स्वामित्व में भी कितनी बड़ी संपदा, कितना क्षेत्र होता है। तीसरा है गृहपति अवग्रह, गृहपति यानी एक मांडलिक राजा, थोड़ा छोटा राजा, उसके भी अपने अधिकार में क्षेत्र होता है। चौथा है सागारिक अवग्रह, यानी गृहस्थ का अवग्रह, जैसे आप लोग गृहस्थों के मालिकाना में मकान होते हैं, घर होते हैं, भवन होते हैं, ये गृहस्थों का अवग्रह है कि साधु को रहना है तो मकान के मालिक की सामान्यतया अनुमति लेकर प्रवास किया जा सकता है। तो गृहस्थ का भी अपना अवग्रह होता है, जिसकी आज्ञा चलती है साधु उसकी आज्ञा लेकर वहाँ प्रवास करता है। पांचवा साधर्मिक अवग्रह, साधु साधु साधर्मिक हैं, साधुओं की अपनी एक
विधि विधान की एरिया होती है, चतुर्मास में बस इतनी एरिया से ज़्यादा, चार चतुर्मास का अपना क्षेत्र है, शेष काल में एक महीने तक एक एरिया में रह सकती, यूँ एक क्षेत्र सीमा साधुओं की होती है। तो ये पांच प्रकार के अवग्रह होते हैं। देवेंद्र के अधिकार में भी ये भरतक क्षेत्र की एरिया होती है, दक्षिण भरत उत्तर भरत। तो ये अवग्रह की बात भगवान महावीर ने बताई शक्र के प्रश्न करने पर। तो शक्र ने सोचा होगा और कहा कि मेरे अधिकार में यह एरिया है, भरतक क्षेत्र में दक्षिण भाग है, वो तो मेरे अधिकार की एरिया है। तो मैं, यानी एक निवेदन किया शक्र ने कि भंते, आपने जो बताया है कि यह देवेंद्र का भी अपना अवग्रह होता है, तो मैं तो देवेंद्र हूँ, तो मेरे अधिकार में भी यह मनुष्य लोक की या जम्बूद्वीप की या भरतक क्षेत्र की, भरतक क्षेत्र की दक्षिण एरिया मेरे अधिकार में है, दक्षिण भरत। तो साधु लोग तो आज्ञा मिलने पर जमीन को जगह को काम लेते हैं, तो मैं आपके चरणों में यानी आपके पास अपनी बात रख रहा हूँ कि ये जो श्रवण निर्ग्रंथ हैं विहार करते हैं, मैं उनके लिए आप आज्ञा अनुज्ञा दे रहा हूँ कि साधु लोग हैं वो इस भूमि का उपयोग करें, काम में लें, मेरी ओर से अनुज्ञा है। तो शास्त्र में आया है कि इंद्र शक्र ने ये भगवान महावीर को पास आज्ञा रखी है, आज्ञा दी है कि साधु लोग वो विचरें करें, काम में लें, मेरी ओर से अनुज्ञा दे रहा हूँ। इसलिए यह एक शास्त्रीय बात है कि साधु समुदाय को इंद्र की ओर से भी जैसा आगम्य है, आज्ञा प्राप्त है कि साधु लोग इस एरिया को, भूमि को काम ले सकते हैं। अवग्रह पांच प्रकार का भगवती सूत्र में बताया गया है। तो साधु है, वैसे देखें तो साधु अपरिग्रह का धारक, तो गृहस्थ के पास तो मकान हो सकता है मालिकाना में, पर हमारी साधु समुदाय की व्यवस्था में साधु के पास कोई मकान मालिकाना में नहीं हो सकता। कितना बड़ा हल्का जीवन है साधु का, इस माने में कोई मकान साधु के पास नहीं, एक इंच की जमीन साधु के मालिकाना में नहीं, एक रुपया साधु के पास न होना, एक पैसा भी नहीं होना, कितना हल्का फुल्का अकिंचनता का जीवन है। तो यह साधु का त्याग है। दीक्षा लेने से पूर्व अपने पास साधु, जो पहले गृहस्थ था, तो संपत्ति भी हो सकती है, बैंक बैलेंस कुछ हो सकता है, किसी के मकान भी मालिकाना में हो सकता है, पर साधु बन गया, अब वह अपरिग्रही होने के नाते न मकान का मालिक न संपत्ति का मालिक, चल अचल कोई संपत्ति साधु के मालिकाना में जो परिग्रह के रूप में मान्य है वो नहीं होनी चाहिए। तो यह साधु इस माने में अकिंचन होता है, और इंद्र के अधिकार में है, चक्रवर्ती के अधिकार में है, राजा के अधिकार में है, गृहस्थ के अधिकार में है, सांदर्भिक की तो कल्प सीमा की बात है। तो जिनके पास कुछ है वे किंचन, किंचन वाले हैं, कंचन वाले हैं और किंचन वाले हो सकते हैं, कंचन वाले हो सकते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है वह अकिंचन होता है, अपरिग्रही होता है, और अपरिग्रही है तो कहा गया तीन लोक का मालिक है, साधु तो तीन लोक का मालिक है। एक संस्कृत भाषा में श्लोक है, यत किंचित अंतर हो तो हो सकता है, अकिंचनोह मिथ्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर भवे योगी गम्य मिदम प्राहुः रहस्यम परमात्मनः।
कि मैं अकिंचन हूँ, मेरे पास कोई कुछ नहीं मालिकाना में, परिग्रह के रूप में। वो अकिंचन जो है वो तीन लोक का मालिक हो जाता है। मैं भूल न करूं तो गुरुदेव तुलसी पहले कभी वो पदार्थ या तो लोग ऐसे श्रावक लोग बोलते तीन लोक रे नाथ ने घनी खम, ऐसा कुछ श्रावक लोग बोलते थे, तीन त्रिलोकी नाथ ने ऐसा बोलते थे। अब तीन यानी त्रिलोकी के नाथ आचार्य तुलसी कैसे हुए? तेरा पंथ के नाथ तो मान लो थे, वो तो मान सकते, तेरा पंथ के तो वो नाथ मान ले आचार्य थे, त्रिलोकी नाथ कैसे हुए? कौन सा उनके पास साम्राज्य है, कौन सी सरकार उनकी है, वो त्रिलोकी नाथ हुए कैसे? पर यह जो श्लोक है कि अकिंचन होना, आपके पास कुछ है, आप लोग गृहस्थ हैं, आपके पास 10 करोड़ रुपये हैं, आप 10 करोड़ के मालिक हैं, आपके पास 50 करोड़, आप 50 करोड़ के मालिक हैं, किसी के पास अरब है तो अब्जपति वो अरब का मालिक है, पर तीन लोक का मालिक वो नहीं है। जितना उसके पास है उतने का मालिक है, उससे ज्यादा का नहीं है, एक सीमित चीज का किंचन का वो मालिक है। तो साधु अकिंचन है, उसने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, तो एक संदर्भ में वो सबका मालिक हो गया। सबका मालिक कैसे हो गया? एक अपेक्षा की बात है, हमारे चारित्रात्माएं जाते हैं कि वहाँ गया वहाँ का कॉलेज रहने को मिल गया, वहाँ गया वहाँ की चीज रहने को मिल गई, कहीं स्कूल रहने को मिल गया, कहीं होटल रहने को मिल गई, कहीं कुछ मिल गया। तो साधु का तो अपना कुछ है नहीं, फिर ये कॉलेज स्कूल और होटल और कई ये मंगल कार्यालय आदि आदि मकान मिल जाते हैं, साधु का तो मालिकाना है नहीं, तो कैसे वहाँ रहते हैं? भी साधु के लिए लोग भावना से एक व्यवस्था से दे देते हैं, क्योंकि साधु अकिंचन है, इसलिए वो कहीं जाए सब कुछ उसका है। एक संदर्भ की बात है, बाकी तो साधु का कुछ है ही नहीं, साधु तो त्यागी होता है। तो यह भगवती सूत्र में जो बताया गया है कि 5 प्रकार के अवग्रह होते हैं, तो देवेंद्र का अवग्रह है, और यह राजा का भी चक्रवर्ती का भी अपना अवग्रह होता है, मांडलिक राजा का होता है, गृहपति यानी गृहस्थ का भी, सागारिक का भी अवग्रह होता है, साधर्मी का अपना है, ऐसे साधु का अपना मालिकाना के रूप में कोई स्थान, कोई मकान, कोई मठ नहीं, कोई आश्रम नहीं, यह साधु का त्याग है। साधु का नाम है अनगार। तो अनगार हुआ कैसे? न अगारम यस्य, जिसके कोई अगार नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, वो अनगार होता है। तो साधु की यह विशेषता है, उसे अनगार कहा गया। अनगार की और ये डिग्रियां उपाधियां मिलती हैं, अरे साधु को तो अनगार की डिग्री मिल गई है, या वो स्थान मिल गया है, बहुत बड़ी डिग्री मिल गई है। और बड़ी से बड़ी डिग्रियां संसार की हो, भले कोई डॉक्टर की ओक और कुछ ओक, डीलिट की डिग्री मिले और कोई वाक्पति आदि डिग्रियां भले मिल जाए, पर अनगार होने की जो डिग्री कह दें, स्थान कह दें, स्थिति जो प्राप्त है, उसके सामने ये डिग्रियां बहुत छोटी लगती है। तो भगवती सूत्र में जो 5 अवग्रह की बात आई है, इस संदर्भ में एक अपेक्षा से देखें तो साधु तो निर्वग्रह है, साधु के कोई अवग्रह स्थान कुछ है ही नहीं, निर्वग्रह होता है। तो यह साधु की साधुता है, वो बड़ी चीज है। और जिंदगी में कुछ भी चला जाए, साधु की साधुता न जाए। स्वास्थ्य कभी टेढ़ा ऊंचा नीचा हो जाए, हालांकि न हो तो बढ़िया, स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वास्थ्य फिर भी कभी ऊंचा नीचा हो जाए, शरीर में तकलीफ हो जाए और कुछ हो जाए, साधु का साधुपना साधुता नहीं जाए जिंदगी में, बस वो रह जाती है। तो साधु के पास बहुत कुछ रह गई है। तो पद रहे न रहे, प्रतिष्ठा भी कोई
मान लो रहे न रहे साधुता बरकरार रह जाए अंतिम श्वास तक, तो साधु ने तो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। अगर साधु मोह मायार परिक्रय में आसक्त हो गया कि साधुपना छोड़ दो, 1 अरब मिल जाएंगे, इतने मकान मिल जाएंगे, यह भोलप कभी हो न जाए कि साधुपना छोड़ दो, इतनी बड़ी संपत्ति मिल जाएगी। नहीं चाहिए कोई संपत्ति, हमें तो साधुपना चाहिए, साधना चाहिए। यह साधु का संकल्प रहना चाहिए कि मैंने अनगारता स्वीकार की है, अगाराओ अनगारियम पगबैये, अनगारता में प्रव्रजित हुआ हूं, जिंदगी भर मेरी अनगारता सुरक्षित रहे। यह निर्वग्रहता, देवेंद्र का अवग्रह हो सकता है, चक्रवर्ती का हो, राजा का हो, आप गृहस्थों का मालिकाना हो, कोई बात नहीं, आपकी अपनी स्थितियां है। साधु के मालिकाना मोह मूर्छा परिग्रह वो साधु में कभी न आ जाए। साधु का त्यागमय जीवन, त्याग संयम, त्याग तपोमय जीवन, यह साधु का बना रह जाए, बस बहुत कुछ सुरक्षित रह गया। और क्या चाहिए इस जीवन में? साधुपना सुरक्षित रह जाए और क्या चाहिए, बस बहुत बड़ी संपदा रह गई है। तो भगवती सूत्र में अवग्रह की बात आई है, और शक्र ने तो कहा भी मेरे अधिकार में है, इसका सदुपयोग होगा, साधुओं के काम आएगा, तो साधुओं को दे दो। गृहस्थ के पास मकान है, स्थान है, तो गृहस्थ सोचे भी मेरे मालिकाना में है, अगर साधुओं के काम आए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे घर में 10 कमरे हैं, ऊपर है, नीचे है, बड़ा मकान है, साधु के प्रवास में काम आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे लिए जिंदगी का अच्छा समय है कि मेरा मकान साधुओं के चतुर्मास में एक प्रवास में काम आ जाए। तो यह साधुओं को अपना स्थान दे देना भी एक अच्छा दान है। अब यहाँ हमारा चतुर्मास हो रहा है, तो कितने स्थान साधु साधियों के काम आ रहे हैं, होटल क्यार और कितने स्थान हैं, नाम हमने दे दिए, अनुकंपा भवन, अहिंसा भवन, मैत्री भवन, ये भिक्षु विहार, तो कितने स्थान साधुओं के काम। तो जो एकदम भावना से बिना कोई किराया लेने का अनुबंध रखे, शुद्ध भावना से साधु को स्थान देता है, अवग्रह देता है, जैसे शक्र ने कहा कि मैं साधुओं के लिए अनुज्ञा दे रहा हूँ कि मेरी यह भूमि साधु लोग काम लें, विहरण करें। इसी तरह जो गृहस्थ भी दान देते हैं, एक सीमा सीमित समय तक भी साधु लोग काम लें, और कहीं कहीं तो वर्षों तक गृहस्थों के मकान साधु साधियों के काम आते हैं। कई हमारे बहिर्विहार में कई कई मकान हैं, कितने वर्षों तक साधु सा चारित्रात्माओं के प्रवास में वो काम आ रहे हैं, गृहस्थों भावना जो भी दे रखे हैं सेवा केंद्रों में और में, कई गृहस्थों के मकान वर्षों से काम आ रहे हैं। गृहस्थ के पास उसके मालिकाना में स्थान है, वो चारित्रात्माओं को आवास प्रवास के लिए देता है, तो यह एक दान होता है, एक साधुओं की चारित्रात्माओं की साधना में सहयोगी बनना होता है, तो बहुत अच्छी बात होती है। इसी तरह भिक्षा का दान देते हैं भी कि हमारे भोजन आदि लो आप, कि आपको तो बनाना नहीं है, बनवाना तो हमारे जो बने उसमें से आप एक अतिथि सम विभाग, एक विभाग हम आपको देना चाहेंगे। तो यों ये अवग्रह है, अपने मालिकाना में जो चीज हो, कि चीज तो साथ में जाने वाली है नहीं, तो किसी के अच्छे उपयोग में आ जाए वो विशेष बात है, बढ़िया उपयोग वस्तु का हो जाए। तो भगवती सूत्र में यह अवग्रह की बात है। तो एक गृहस्थ भी जो अपनी वस्तु का यों साधु साधियों को और को दान देते हैं, भावना से देते हैं, खुद संयम करते हैं, यह उनके एक आध्यात्मिक रूप में कल्याण की चीज होती है। और यह अवग्रह से मोह भी कम हो जाए, और जो अधिकार में है उसका अच्छा त्यागियों के उपयोग में वो चीज आए, यह बहुत अच्छी बात हो सकती है।